नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन परीक्षार्थियों ने दी साइंस की परीक्षा। जिले में सभी केंद्रों पर उमड़ी छात्रों की भीड़। भागलपुर में दिन भर लगा रहा महाजाम, कई परीक्षार्थियों की छूटी परीक्षा। प्रशासनिक व्यवस्था हुई फेल। SBI आंचलिक कार्यालय को पूर्णिया शिफ्ट किए जाने को लेकर नगर विधायक ने खोला मोर्चा। बुधवार को देंगे धरना। नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। भारी मात्रा में गांजा के साथ महिला गिरफ्तार। और मुंगेर में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जनसंवाद गोष्ठी का हुआ आयोजन। SP लिपि सिंह ने कहा, हिंसा से नहीं होती समस्या का समाधान। अब समाचार विस्तार से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित मैट्रिक की परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई। वहीं भागलपुर जिले के 57 परीक्षा केंद्रों पर 40,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन परीक्षार्थियों ने साइंस विषय की परीक्षा दी। परीक्षा को लेकर सुबह से ही सभी केंद्रों पर छात्र छात्राओं और अभिभावकों की भीड़ लगी रही। इधर परीक्षा कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। सेंटर में CCTV लगाया गया था, साथ ही वीडियोग्राफी भी कराई जा रही थी। भागलपुर के इंटरमीडिएट जिला स्कूल, मोक्षदा स्कूल, झुंझुनवाला विद्यालय, क्राइस्ट चर्च स्कूल, माड़वाड़ी पाठशाला समेत कई केंद्रों के बाहर दिनभर अभिभावकों की भीड़ लगी रही। इस दौरान सुरक्षा में लगे जवानों ने सघन तलाशी के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश कराया। परीक्षा के दौरान ड्यूटी में लगे मजिस्ट्रेट और अधिकारी परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करते रहे। वहीं मैट्रिक परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर धारा 144 लागू रही। आ सकता है, टोटल क्वेश्चन बनाए, अब टीचर पे निर्भर है कैसा नंबर देते हैं। आ जाएगा, जितना लिखे उतना आ जाएगा। मतलब 80 का एग्जाम था ना, 70 प्लस मतलब इधर चल जाएगा प्रैक्टिकल में जो आया। बहुत अच्छा गया। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन सोमवार को भागलपुर में महाजाम जैसी स्थिति रही। दिन भर सड़क पर वाहन रेंगते रहे और स्कूली बस में सवार बच्चे भूख और प्यास से तड़पते रहे। हालांकि मैट्रिक परीक्षा के दौरान शहर में विधि व्यवस्था और ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए 500 पुलिस पदाधिकारी और जवान को लगाया गया था। लेकिन सारी व्यवस्था उस वक्त ध्वस्त हो गई जब जाम में फंसे लोग प्रशासन को ही कोसते नजर आए। खलीपाबाग चौक, वैरायटी चौक, घंटाघर चौक, कचहरी चौक, तिलका मांझी चौक, स्टेशन चौक, ततारपुर चौक समेत शहर के सभी रूटों पर लोग जाम से कहराते रहे। वहीं प्रथम पाली की परीक्षा जैसे ही समाप्त हुई, वैसे ही स्थिति इतनी विकराल हो गई कि लोगों को सड़क पर चलने के लिए जगह तक नहीं बची। इधर सड़क किनारे गलत तरीके से लगाए गए वाहन और जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही भी स्मार्ट सिटी में जाम लगने का एक बड़ा कारण रहा। नगर विधायक अजीत शर्मा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय स्टेट बैंक के आंचलिक कार्यालय को पूर्णिया शिफ्ट किए जाने के मामले को लेकर कहा कि भागलपुर बिहार का पुराना प्रमंडल है, जिसमें 39 वर्षों से आंचलिक कार्यालय कार्यरत है, जिसको भागलपुर से हटाना सरकार की सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भागलपुर को देश के स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आंचलिक कार्यालय को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले को लेकर आंदोलन करने की बात कही। साथ ही नगर विधायक ने अंगिका भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में बिहार सरकार से मान्यता देने की बात कही। इसके अलावा विधायक ने स्मार्ट सिटी योजना, हवाई सेवा सहित कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन करने की बात कही। इस बार विधानसभा में जोरदार आवाज से कि हर पार्षद को सरकार फंड दे ताकि उस वार्ड का वो विकास कर सके। ये मेरे तीन मुद्दा मुख्य। चौथा है कि हवाई सेवा, ये लोग जान बूझ के 40 वर्ष पहले यहाँ से छोटे हवाई सेवा चलती थी। मैं बहुत कम से कम 7-8 बार मेरी आवाज़ विधानसभा में उठ चुका है, लेकिन लोग उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। मैंने इस बार पिछले विधानसभा में बोला था कि आप गौराडी में गौशाला की जमीन है, आप एक्वायर करके उसको बनाइए। हवाई सेवा का मतलब नहीं है कि उससे घूमने लोग जाएंगे, उससे यहाँ का ग्रोथ होगा, इंडस्ट्री लगेंगे, व्यापार बढ़ेंगे, और कोई अगर आकस्मिक कोई बीमार पड़ जाए तो निश्चित तौर पर उसके इलाज के लिए वो जो यहाँ इलाज नहीं है बाहर जा सके। इसलिए मैं मांग रहा हूँ, चूँकि आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री 20 वर्ष यहाँ से विधायक रहे हैं, वो आज वो स्वास्थ्य मंत्री केंद्र में है, उनको चाहिए था यह भागलपुर मेडिकल कॉलेज को एम्स के रूप में परिवर्तित करना, जो अभी तक नहीं किए हैं। और यहाँ की जनता आग्रह कर रही है कि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, 20 साल आपको प्रदर्शित करने का मौका जनता ने दिया है, तो आप इसको बनाएं तो कम से कम इलाज सही ढंग से हो सकेगा।
चूँकि जनता प्रतिनिधि चुनती है विकास के लिए, उनके सम्मान आपको सर पर रख के उनको जोगना होता है, ये है प्रतिनिधि का काम। ये सब बातें के मुख्य तौर पर हमने बुलाया था। और स्मार्ट सिटी जो 15 में चयनित हुआ, आज तक कोई काम नहीं हो रहा है। मैं सरकार से आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा और आपकी आवाज़ वहां तक जाए, जो भी पदाधिकारी काम में ढिलाई बरत रहे हैं, स्मार्ट सिटी और जगह काम चल रहे हैं, पटना हो या और कोई जगह हुआ काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा है। सिर्फ लूट खसूट, पिछले विधानसभा मैंने पूरा डाटा दिया है किस किस जगह लूट हुआ है। आज सरकार इस पर संज्ञान ले और जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी काम शुरू और जो पदाधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मादक पदार्थों की तस्करी की सूचना लगातार पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद जोगसर थाना पुलिस ने रविवार की शाम दीपनगर इलाके में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने निगम कार्यालय के कर्मी रश्मि देवी को 4 किलो गांजा और 3 लाख रुपए कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया। सिटी DSP राजवंत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पकड़ी गई महिला रश्मि के द्वारा गांजे को सिगरेट में भरकर बेचा जा रहा था। DSP ने कहा कि महिला पिछले 6 वर्षों से गांजा भरा सिगरेट बेचती थी, जिसके बाद नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के निर्देश पर जोगसर थाना अध्यक्ष विश्वबंधु कुमार ने छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें महिला के घर से जांच के दौरान सोने के गहने, कैश और गांजा बरामद किया। DSP ने कहा कि फिलहाल महिला से पूछताछ की जा रही है। वहीं DSP ने मामले का उद्भेदन करने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा करने की बात कही। बहुत बड़ी सफलता है, लगातार ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि जोगसर थाना क्षेत्र में कोयला घाट दीप प्रभा और ये संकट टागिज के आसपास, जो ये गंगा का किनारा है, तो ये नशा का बड़ा क्षेत्र था। लगातार पुलिस अभियान चला रही है और वर्तमान थाना अध्यक्ष जोगसर विश्वबंधु के नेतृत्व में लगातार सफलता मिल रही है। तो दारू करीब करीब ख़त्म हो चुका, तो ये देख रहे हैं हम लोग कि गांजा वगैरह और ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई है। इसी क्रम में आज गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बड़े स्तर पर गोली के पहले गांजा की पैकिंग की जा रही है। इस सूचना पर जब जोगसर पुलिस ने छापामारी किया नगर चौक पर, तो वहाँ से एक महिला के घर से 4 किलो गांजा एक थैले में और 4 किलो खैनी के साथ मिक्स गांजा बरामद हुआ, और साथ में सिगरेट में भरने के लिए जो पाइप होता है, परफेक्टो इसका नाम इसमें दिया हुआ है, जो 15 रुपये में आता है, वो भी बरामद किया गया और भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। ये पूरा कैश गिनती करने पर 3,06,000 रुपया हुआ है। कैसे 3,06,000 रुपया, 4 kg गांजा और 4 kg खैनी मिक्स गांजा। इसके अलावे उस कमरे से इसी गांजा के साथ एक जोड़ा कान का झुमका सोने जैसा, एक पीस शंकर जी का लॉकेट बड़ा सोने जैसा और 3 पीस छोटा बजरंगबली का लॉकेट भी सोने जैसा बरामद किया गया है। महिला की गिरफ्तारी की गई है, उनसे पूछताछ जारी है और मुझे संभावना है कि पूरा रैकेट था जो होली के पहले नशा बड़े भारी मात्रा में सप्लाई करता, जो पैसे की बरामदगी से समझ में आ रहा है। और थाना अध्यक्ष विश्वबंधु और इनकी टीम को मैं अनुशंसा करूंगा, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को पुरस्कृत करूंगा। मुंगेर पुलिस द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत सोमवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसंवाद कार्यक्रम का शुभारंभ SP लिपि सिंह ने दीप जलाकर और गुब्बारा उड़ाकर किया। मुंगेर SP लिपि सिंह की अगुवाई में धरहरा थाना के नक्सल प्रभावित बरमसिया गांव में आपकी पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य शिविर, खेलकूद प्रतियोगिता एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बेहतर और सशक्त समाज का निर्माण के लिए लोगों को बंदूक का त्याग कर साहित्य के रास्ते चलना होगा। मौके पर STF DSP पंकज कुमार, ट्रैफिक DSP मनोज कुमार, इंस्पेक्टर शमशाद अली, जमालपुर पुलिस निरीक्षक पंकज कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। मुंगेर पुलिस द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत पुलिस आपके द्वार प्रोग्राम का आयोजन बरामसिया, जो कि धरारा प्रखंड का एक नक्सल प्रभावित गांव है, वहाँ पर आयोजन किया गया। इसके साथ साथ हम लोगों ने वहाँ पर 3 ग्राम रक्षक दलों की टीम को बनाया है और वहाँ पे वाद विवाद प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता, फुटबॉल मैच का आयोजन, पेंटिंग कंपटीशन और 100 मीटर्स रेस, जो कि महिला और पुरुष दोनों के साइड से करवाया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे हमारे द्वारा जो है वहाँ पे यहाँ मुंगेर के चिकित्सकों के
हेल्प से हम लोगों ने फ्री हेल्थ कैंप लगाया, जिसमें बच्चों की महिलाओं से संबंधित ब्लड प्रेशर या फिर और भी जो समस्याएं जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, और फ्री दवाई का वितरण भी किया गया है। भागलपुर नगर निगम में कंबल खरीद का मामला इस बार भी विवाद में है। जो कंबल गरीबों को ठंड में मिलना चाहिए, उसे कुछ दिन पूर्व निगम ने खरीद तो लिया, लेकिन अब भी वह गरीबों तक नहीं पहुंच पाया है। इधर कंबल खरीदारी में घोटाले घपले की बात भी सामने आ रही है, जबकि निगम के कुछ अफसर और जनप्रतिनिधि इस गड़बड़ी पर पर्दा डालने में लगे हुए हैं। वहीं वार्ड नंबर 21 के पार्षद संजय कुमार सिन्हा ने कहा कि घटिया कंबल की शिकायत मुख्यमंत्री से की जाएगी, जबकि उपनगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा ने कहा कि दो तरह के कंबल को लेकर पार्षदों में भ्रम फैल गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कंबल मामले को लेकर नगर निगम के उपनगर आयुक्त और वार्ड नंबर 21 के पार्षद ने क्या कहा। ठंड कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। ठंड अभी भी लोग कंबल का प्रयोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी देखिए स्वेटर पहने हुए हैं। यहाँ जितने लोग हैं, कोई जैकेट है, कोई स्वेटर है। यदि ठंड समाप्त हो जाता तो जैकेट और स्वेटर का प्रयोग नहीं करते। अभी भी ठंड है, ठंड कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, और फरवरी तक लोग कंबल का प्रयोग करते हैं। और कंबल का प्रयोग सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, जो हम गरीबों को देंगे वो आगे भी इसका प्रयोग कर पाएंगे, इस उद्देश्य से दिया जाता है। दो प्रकार की नहीं है कंबल, अभी एक प्रकार की पहले हम लोगों ने लोकल परचेज किया था, जब ज़्यादा ठंड था उसमें जो ज़्यादा नीडी लोग थे उन लोगों को हम लोगों ने 50-50 कंबल उसमें दिया था। उसके बाद चूँकि बोर्ड में 200 कंबल देने की बात कही गई थी, इसलिए शेष 150 कंबल जेम पोर्टल से क्रय करने में प्रक्रिया का विलम्ब हुआ है, उस कारण से अभी आ पाया और हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। इस बार जो कंबल आया है फागुन महीने में, जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कम्बल सब अपने अपने वार्ड पार्षद अपने अपने आवास पर रख लिया है। जब कम्बल आना चाहिए उस समय कम्बल आया नहीं। पहले बार जो 50 कम्बल दिया वह कम्बल तो धोती से भी खराब कम्बल था, और इस बार का भी कम्बल उतना बढ़िया नहीं है। इसकी अगर गहराई से जांच कराई जाए, पहले बार जो कम्बल दिया था वह महापौर के और कुछ नगर निगम के ऐसे व्यक्ति के रिलेटिव के द्वारा कंबल का वितरण किया गया। जब इसका शिकायत महापौर महोदय को पार्षद महोदय लोग कहा कि ये कंबल गड़बड़ है, तो इस बात को दाबने के लिए प्रेशर डाला गया कि इसका बात को दाबिए, अब जो कंबल आपको 150 आएगा वह बढ़िया आएगा। वह भी कंबल बढ़िया नहीं है, समय पर कंबल नहीं आया। सरकार के द्वारा जितना भी गरीब जनता को लाभ पहुंचाने का जो योजना है वह समय पर तो होता नहीं है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रखंड संसाधन केंद्र नाथनगर परिसर में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वयक समिति के राज्य इकाई द्वारा हड़ताल की आगाज करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता महेंद्र कुमार मंडल ने की। धरना में सैकड़ों शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए समान कान समान वेतन, पूर्व की भांति अनुकंपा का लाभ जैसी कई मांगों को लेकर आवाज उठाई। मौके पर रंजीत रजक ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रखंड के सभी 101 विद्यालय के शिक्षक विद्यालयों को बंद कर गूंगी भरी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। वहीं धरना पर बैठे शिक्षकों ने कहा कि अपना हक और अधिकार पाने के लिए शिक्षक हर हाल में डटे रहेंगे। वहीं बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वयक समिति की अगुवाई में अनिश्चितकालीन हड़ताल के पहले दिन बाराहाट प्रखंड के हर विद्यालय में तालाबंदी कर आंदोलनकारी शिक्षकों ने बीआरसी परिसर में धरना दिया। धरना स्थल पर विशेष रूप से शिरकत करने पहुंचे बांका जिला संयोजक घनश्याम यादव ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, एक जगह एक प्रकार का काम करने वालों को एक तरह का मेहनताना देना पड़ेगा। धरना में शैलेश कुमार, राजकुमार दास, रामकृष्ण यादव, क्रांति कुमारी, रानी कुमारी सहित कई शिक्षक उपस्थित थे।
इधर शिक्षक संघर्ष समन्वयक समिति द्वारा प्रस्तावित हड़ताल को सफल बनाने के लिए बांका फुल्ली डुमर प्रखंड में शिक्षकों ने बीआरसी कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। धरना में शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं बिहार राज्य संघर्ष समन्वयक समिति पटना के आह्वान पर प्रखंड शिक्षक के हड़ताल पर जाने से स्कूलों में ताला लटका रहा। नियमित शिक्षकों ने विद्यालय में पठन पाठन का बागडोर संभाला, पर जिन विद्यालयों में नियमित शिक्षक नहीं थे उन सभी स्कूलों में सन्नाटा छाया रहा। भागलपुर से संचालित होने वाली संस्था केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ द्वारा रेल से सफर करने वाले यात्रियों के बीच निःशुल्क एवं निस्वार्थ रूप से जन जागरूकता अभियान देश भर में चलाया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जागरूकता अभियान की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान के सीकर जिला स्थित श्री खाटू श्याम मेला में आने वाले सभी भक्तों के लिए दिल्ली, जयपुर एवं रिंगंस स्टेशन पर बस पार्किंग, उत्तम भोजन, जल व अन्य सुविधा का प्रबंध केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ एवं आरपीएफ द्वारा किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष विष्णु खेतान ने बताया कि खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने आने वाले किसी भी भक्तों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 01576231046 पर रेलवे यात्री सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज बुधिया, प्रकाश गोयंका, सुमित अग्रवाल एवं राकेश शर्मा मौजूद थे। राजस्थान के सीकर जिला अंतर्गत खाटू श्याम मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए केंद्रीय रेलवे रेल यात्री संघ आरपीएफ और जीआरपी के संयुक्त तत्वावधान में किसी भी यात्रियों को भक्तों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए ये प्रेस वार्ता की गई है, जिसमें हम लोग संपूर्ण भारत भर से तमाम संस्थाओं से अपील कर रहे हैं कि जब वो ट्रेन में सफ़र करें तो नशा खुरानी, जहर खुरानी से सावधान रहें, किसी भी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ कोई भी सामान ना खाएं, किसी प्रकार की कोई असुविधा हो तो आरपीएफ का हेल्पलाइन नंबर जो संकट मोचन नंबर है 182, जीआरपी का 1512, उस पर आप जरूर संपर्क करें। साथ ही हमारे संस्था का व्हाट्सएप नंबर भी इशू किया गया है, जो संस्थान 150-200 का समूह जो चल रहा है पूरे राज्य से, पूरे देश से खाटू श्याम की यात्रा के लिए, वो हमारे संस्था के व्हाट्सएप नंबर पे अपना पूरा डिटेल दें ताकि उनको ट्रेन में पेंट्री कार के द्वारा अच्छा भोजन, चाय पानी की सेवा, साथ ही बस पड़ाव पर, बस स्टैंड पर, जयपुर स्टेशन, दिल्ली और रिंगर्स स्टेशन पर बस पार्किंग की व्यवस्था अच्छी कराई जा सके। ये सारा सहयोग आरपीएफ और जीआरपी के माध्यम से हमारी संस्था कर रही है। साथ ही खाटू श्याम मेले में अगर किसी प्रकार की कोई असुविधा हो उसके लिए भी खाटू श्याम जी थाने का नंबर भी संस्था के द्वारा डिस्प्ले किया गया है, रिंगर्स थाने का भी डिस्प्ले किया गया है, और सभी जब जो लोग आ रहे हैं उनसे हम लोग ये भी अपील कर रहे हैं कि वो गहने वस्त्र सामान लेकर वो मेले में बाबा श्याम के दर्शन करने ना आए। साथ ही बच्चे के गले में आई कार्ड जरूर रखें जिसमें उनका मोबाइल नंबर, एड्रेस, संपूर्ण विवरण जरूर साथ में हो, साथ ही पहचान पत्र अवश्य वो साथ में रखें। यानी भागलपुर की ये संस्था है और जयपुर में जाके कार्यक्रम कर रही है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? उद्देश्य पूरे देश में हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं, और साथ ही एक मैसेज है कि बिहार राज्य के भागलपुर की ये संस्था निःशुल्क निस्वार्थ संपूर्ण भारतवर्ष में जहर खुराने के खिलाफ अवेयरनेस जागरूकता अभियान चला रही है पूरे देश में। भागलपुर के बंसी टीकर में रविवार को अभिनंदन समारोह सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में नगर विधायक अजीत शर्मा, शिशुपाल यादव, प्रिय रंजन झा, दिवाकर यादव, सौरभ कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा नेता अनिकेत यादव ने की। इस दौरान अनिकेत ने मौजूद अतिथियों को बुके देकर सम्मानित किया। अनिकेत ने कहा कि मिलन समारोह के दौरान समरसता भोज का भी आयोजन किया गया जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। आज अनिकेत जी के बच्चे का जो हम लोग कहते हैं उसके कार्यक्रम में आमंत्रित हुआ है, तो इसमें सब लोग आए हुए हैं, तो मिलन क्या, मिलन तो हम लोग ही करते हैं, सब समारोह का बस उसी का आशीर्वाद देने के लिए। लूटकांड का मोस्ट वांटेड सातिर अपराधी अशोक तांती को कटोरिया पुलिस ने रविवार की सुबह धर दबोचा। अशोक तांती पहले कई बार पुलिस को चकमा देकर भाग चुका है। रविवार को कटोरिया थाना अध्यक्ष राजेश कुमार के नेतृत्व में छापेमारी टीम ने भूमिया गांव स्थित अशोक तांती के घर में छापा मारा, जहां से पुलिस ने अशोक तांती को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल एसपी मदन कुमार आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अशोक तांती ने 30 जुलाई 2019 को कटोरिया बांका मुख्य मार्ग पर दिनदहाड़े पिस्तल का भय दिखाकर यूको बैंक की संचालिका ममता देवी से 99,500 रुपये, ATM आदि लूटा था। एसपी मदन कुमार आनंद ने बताया कि अशोक तांती का आपराधिक इतिहास रहा है, पुलिस द्वारा इसकी कुंडली खंगाली जा रही है और साथ ही इसके सहयोगी की भी तलाश की जा रही है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाले छात्रों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने छात्र छात्राएं अपनी मांग को लेकर धरना पर बैठ गए।
वहीं दूसरी तरफ स्पेशल परीक्षा की मांग को लेकर आयशा के बैनर तले कुछ छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्य द्वार के सामने एमएमएससी के छात्रों ने विरोध प्रकट किया और विश्वविद्यालय की लाल फीताशाही सिस्टम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दरअसल एमएमएससी सत्र 2018-20 सेमेस्टर एक के कई छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय प्रशासन प्रमोट करने के बाद सिर्फ आश्वासन ही दे रहा है। वहीं छात्रों के समर्थन में अंग क्रांति सेना के संयोजक शिशिर रंजन सिंह भी कूद पड़े हैं। धरना पर बैठी छात्रा ने कहा कि मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पिछले 2 महीने से छात्रों को रिजल्ट सुधार के लिए आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन एक सही आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, जिसके वजह से आज हम लोग ये शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हुए हैं। अभी हम लोग का ये भविष्य बहुत खतरे में है। जब तक रिजल्ट सुधार नहीं होगा, हम लोग आगे सेमेस्टर में जा नहीं सकते हैं। इस वजह से हम लोग का ये मांग है कि वीसी सर जल्द से जल्द इस पर लिखित आश्वासन दे कि रिजल्ट जल्दी से सुधार हो। लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस विद्यालय में धरना पर बैठे हुए हैं। अगर आज कोई ठोस कदम विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं लिया गया तो हम लोग आगे अपने छात्रों के बीच, अपने संयोजक के बीच रणनीति बनाकर इस विद्यालय को, इस विश्वविद्यालय को खूब सुंदर से जाम करेंगे और जो है कि उग्र आंदोलन के लिए हम लोग प्रेरित हो जाएंगे। इधर आयशा नेता प्रवीण कुशवाहा के नेतृत्व में छात्रों ने कुलपति, प्रतिकुलपति समेत परीक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं प्रवीण कुशवाहा ने कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी पिछले 1 साल से स्पेशल परीक्षा को लेकर टालमटोल कर रहे हैं। हमारा लंबे समय से विश्वविद्यालय में 1 साल से हम लोग स्पेशल परीक्षा की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन एग्जाम की ओर बढ़ी ही नहीं है। इसके लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। हमारे विभिन्न तरह विश्वविद्यालय में जो खामियां हैं उसको लेकर हम लोग धरना बैठे हैं। विश्वविद्यालय में लंबे समय से अस्थाई कुलपति नहीं है। हम लोग विश्वविद्यालय में अस्थाई कुलपति की मांग कर रहे हैं कि अस्थाई कुलपति आए और छात्रों की समस्या को दूर करे। भागलपुर गनीचक स्थित क्रिसेंट पब्लिक स्कूल में जिला कराटे प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न स्कूल की टीम ने भाग लिया। वहीं क्रिसेंट स्कूल की टीम ने सबसे अधिक मेडल पर कब्जा जमाया। कोच मोहम्मद मशी ओला ने बताया कि टीम का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हो चुका है। वहीं क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल के निर्देशक शाह रजी इमाम ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी। मौके पर प्राचार्य निगार सुल्तान, कृष्ण मेहता, सुमित कुमार, रितेश कश्यप समेत कराटे टीम के खिलाड़ी मौजूद थे। आज हमारे क्रिसेंट इंग्लिश स्कूल में डिस्ट्रिक्ट कराटे एवं काट का द्वितीय प्रतियोगिता हुई। इसमें इस इवेंट में 16 छात्राओं ने गोल्ड लिया, 8 सिल्वर तथा 3 को कांस्य पदक मिला। उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत ही मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया और इसके बाद ये लोग यहाँ से स्टेट चैंपियनशिप के लिए 13 तारीख को पटना जाएंगी। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में सोमवार को भागलपुर के एसएम कॉलेज रोड स्थित एक हॉल में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रसून कुमार ने की। इस दौरान सर्वसम्मति से रितेश रमन को भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके पूर्व प्रदेश प्रधान महासचिव राजीव चौधरी, प्रदेश संयुक्त सचिव अमित कुमार, शिवचंद्र झा, डॉक्टर आलोक त्रिवेदी समेत संगठन से जुड़े कई लोगों ने आगामी चुनाव को देखते हुए जनसंपर्क अभियान तेज करने की बात कही। हम आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान में 7 नवंबर को हुई रैली के बाद संगठन की सभी कमेटियां भंग कर दी गई थी। इधर प्रदेश अध्यक्ष प्रसून कुमार ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगा, जबकि नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रितेश रमन ने भागलपुर जिला में संगठन का विस्तार करने की बात कही। मौके पर टेंशन फ्री मैथमेटिक्स के नीलेश कुमार, कुणाल सिंह, आलोक कुमार समेत कई कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि 7 नवंबर गांधी मैदान रैली के बाद भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के सारे जितने भी पद थे सभी को भंग कर दिया गया था। उसी सिलसिले में आज हम लोग भागलपुर आकर जिलाध्यक्ष होने की नियुक्ति। प्राथमिकता संगठन ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसे पूरी निष्ठा से और पूरी कर्मठता से उसको निर्वहन करने का प्रयास करूंगा और जो जिम्मेदारी संगठन को मजबूती प्रदान करने का दिया गया है उसे मैं बहुत और सभी समाज के जितने भी हमारे बुद्धिजीवी नौजवान युवा साथी हैं सभी को साथ में लेकर चलने से मजबूती को प्रदान करेंगे संगठन। बांका जिला के रजौन प्रखंड स्थित धोनी होटल के कुएं में एक लड़की की लाश मिलने से रविवार को इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना ग्रामीणों को मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई।
ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना देने पर थाना प्रभारी सुमित कुमार अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृत लड़की की पहचान धोनी बाजार स्थित झोपड़पट्टी में रहने वाले मनोज डॉम की 18 वर्षीय पुत्री खुशबू कुमारी के रूप में हुई है। लड़की का दुष्कर्म के बाद हत्या कर कुएं में फेंकने की बात सामने आ रही है। सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने कहा कि जांच करने के बाद ही तथ्यों का खुलासा संभव है। वहीं ग्रामीण इस घटना को लेकर काफी आहत हैं। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मैट्रिक परीक्षा के पहले दिन परीक्षार्थियों ने दी साइंस की परीक्षा। जिले में सभी केंद्रों पर उमड़ी छात्रों की भीड़। भागलपुर में दिन भर लगा रहा महाजाम, कई परीक्षार्थियों की छूटी परीक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था हुई फेल। SBI आंचलिक कार्यालय को पूर्णिया शिफ्ट किए जाने को लेकर नगर विधायक ने खोला मोर्चा, बुधवार को देंगे धरना। नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, भारी मात्रा में गांजा के साथ महिला गिरफ्तार। और मुंगेर में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत जनसंवाद गोष्ठी का हुआ आयोजन, SP लिपि सिंह ने कहा हिंसा से नहीं होती समस्या का समाधान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।